सभी भैयाओं को नमस्कार और सुप्रभात। मैं हूँ कालूराम और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कविता आत्म परिचय। पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन के परिचय के बारे में पढ़ा था, जिसमें उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी गई दो कविताएं आत्म परिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम कविता आत्म परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपना परिचय करवाते हैं और अपना और संसार के साथ क्या संबंध है उसके बारे में इस कविता में वर्णन करते हैं। तो कविता शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस जीवन में, जिसे ये जो सांसारिक जीवन है, इस सांसारिक जीवन को भार की तरह लिए फिरता हूँ, इसको मैं भार की तरह महसूस करता हूँ और इस जीवन को भार के रूप में लेकर घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि एक तरफ ये कहता है कि मैं इस संसार को, यानी इस जीवन रूपी संसार को भार की तरह लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं इस जीवन में प्रेम लिए फिरता हूँ, यानी जीवन को भार के रूप में महसूस करते हुए, समझते हुए भी जीवन में प्यार लेकर घूमते हैं, प्यार लिए ही फिरते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैं, कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि इसमें ये कहते हैं, यानी अपनी पत्नी के बारे में वर्णन करते हैं, कवि अपनी प्रेमिका के बारे में कहते हैं कि किसी ने मेरे हृदय रूपी वीणा को, जिसके तारों को छू करके झंकृत कर दिया, मैं ऐसे सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन को एक सांसों के रूप में, यानी अपने जीवन को वो वीणा की तरह महसूस करते हैं और उसके जीवन के तारों को लिए फिरता है। बात करते हैं इसमें शिल्प सौंदर्य की, तो हम इसमें देखेंगे कि पहली पंक्ति, बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की, तो इसमें हम देखेंगे कि पहली पंक्ति में तुकबंदी देखो, दूसरी पंक्ति में तुकबंदी देखो और अंतिम पंक्ति में तुकबंदी देखेंगे। तो तुकबंदी अगर देखेंगे तो पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में तुकबंदी समान है, जबकि तीसरी जो पंक्ति है उसमें तुकबंदी अलग प्रकार की है। तो इस प्रकार की शैली जो होती है, जिसे हम रुबाइया छंद कहते हैं, तो यह रुबाइया छंद में लिखा गया है। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि जग जीवन, जग रूपी जीवन, यानी संसार रूपी जीवन, इसमें रूपक अलंकार है, और सांसों के दो तार, यानी अपने जीवन के सांसों को तार के रूप में महसूस करते हैं, इसलिए यहां पर भी रूपक अलंकार है। आगे हम बात करते हैं, कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किए फिरता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किए फिरता हूं। कवि कहता है कि संसार तो शराब पीता है, लेकिन मैं स्नेह रूपी शराब का पान करता हूँ, स्नेह की जो शुरा है, स्नेह की जो शराब है, उसका मैं पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या कहता है, संसार क्या विचार करता है, क्या बातचीत करता है, मैं कभी उसके बारे में ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि संसार तो उनकी पूछता है, संसार तो उनकी पूछता है जो जग की गाते, यानी जो संसार के कहे अनुसार चलते हैं, जो जग की प्रशंसा करते हैं, जो जग की चापलूसी करते हैं, उन्हीं को ही पूछता है, लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं दुनिया को देखता नहीं हूँ, मैं तो अपने मन में जो उद्गार उत्पन्न होते हैं, जो मन में मेरे जो विचार उत्पन्न होते हैं, मैं उनको ही गाता फिरता हूँ। मैं दुनिया के बारे में किसी प्रकार की कोई विचार विमर्श नहीं करता हूँ, अर्थात मैं अपने आप में ही मस्त फिरता रहता हूँ। आगे हम बात करते हैं, कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर, यानी अपने हृदय के जो उद्गार हैं, उद्गार यानी भाव, अपने हृदय के जो भाव हैं वही लिए फिरते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने ही हृदय को उपहार की तरह लेकर महसूस करता हूँ, उन उपहारों को ही मैं अपने जीवन में रखता हूँ, और वो उपहार किसके हैं, प्रेम के, वो प्रेम के उपहार लिए फिरता है। कवि आगे कहता है, यह
है यह संसार अपूर्ण न मुझको भाता। कवि कहता है कि यह संसार तो अपूर्ण है और यह अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता। कवि को इस संसार में कहीं ना कहीं अपूर्णता नजर आती है और वो अपूर्णता है प्रेम की। कवि कहता है कि संसार में प्रेम नहीं है, संसार प्रेम से अपूर्ण है, इसलिए यह संसार मुझे नहीं भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए कवि कहता है कि मैं तो अपने ही स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ जिसमें प्रेम भरा हुआ है, और यही सपनों का संसार मैं अपने जीवन में लेकर फिरता हूँ। इसी संसार में मैं अपना जीवन है वो जीता हूँ। अपनी प्रेममयी सुंदर सपनों में ही इस संसार को मैं लेकर के आगे बढ़ता फिरता हूँ। आगे हम बात करें, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में एक प्रकार की अग्नि को जलाए रखता हूँ और वो अग्नि किसकी है? प्रेम की अग्नि। मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को दहाए फिरता हूँ, प्रेम की अग्नि को ही लेकर फिरता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात सुख और दुख दोनों में हमेशा एक समान रहता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रेम की दीवानगी है और इसी प्रेम की दीवानगी की वजह से मैं सुख और दुख इन दोनों में ही एक ही भाव से रहता हूँ। कवि आगे कहता है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कहता है कि ये संसार में तो बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से दूर होने के लिए, यानी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, उन समस्याओं से बचने के लिए नाव बनाता है। क्या बनाता है? नाव। लेकिन कवि कहता है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उस संसार रूपी सागर में जो हिलोरे उठते हैं, जो मौजें उठती हैं, उन मौजों में भी हमेशा मस्त रहा करता हूँ और मस्त रह करके मैं बहा करता हूँ। आगे कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपनी जवानी में एक प्रकार का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद से तात्पर्य है पागलपन, ठीक है, जिसमें, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रेम अधिक रहता है, वो प्रेम के पीछे भागता है, उसको कहते हैं उन्माद। तो मैं अपनी जवानी में प्रेम का उन्माद लिए फिरता हूँ, प्रेम का पागलपन जो है वो मैं अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस पागलपन में एक प्रकार की जो मनःस्थिति है, एक प्रकार का दुख जो है, वो यहाँ प्रकट करते हुए कहता है कि मैं अपनी जवानी के अंदर जो उन्माद है, उन उन्मादों के अंदर एक प्रकार का अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद से तात्पर्य है दुख या निराशा, जिसको कहते हैं। जब निराशा किसी व्यक्ति के अंदर आती है और तब वह दुखी होता है, तो वह दुख कहलाता है अवसाद, तो वह उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता है। कवि आगे कहता है, कवि कहता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यह जो उन्माद है वो मुझे बाहर तो हंसाती है, यानी बाहर तो मैं ऐसा लगता हूँ जैसे हंस रहा हूँ, रुलाती भीतर, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रुलाती है, मैं अंदर ही अंदर दुखी रहता हूँ। यह जो अवसाद मुझे अंदर ही अंदर रुलाता है, दुखी करता है। मैं हाय किसी को किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं किसी न किसी की याद लिए फिरता हूँ, किसी न किसी की स्मृति अपने मन में बसा करके फिरता हूँ, क्योंकि वो स्मृति वो है, वो मेरे जीवन की मधुर स्मृति है, और वह मधुर स्मृति मेरे प्रिय की है, मेरी पत्नी की है, क्योंकि वो पत्नी उनके जीवन में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। इसलिए कवि कहता है कि मैं उस अवसाद को लिए फिरता हूँ, बाहर तो मुझे हंसाती हैं लेकिन अंदर मुझे रुलाती हैं, इसलिए उसकी याद को लेकर के मैं फिर रहा हूँ। कवि आगे कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहता है कि संसार के बहुत सारे लोग सत्य को जानने के लिए मिट गए, उन्होंने कई प्रकार के प्रयत्न किए लेकिन किसी को सत्य की जानकारी नहीं हुई, उन्हें सत्य किसी प्रकार से ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें नहीं पता कि सत्य क्या है, लेकिन यह संसार तो क्या है, नादान है, ना समझ है, यह तो उसी स्थान पर जाता है जहां पर उसे दाना मिलता है, यानी जहां धन है। दाना से तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर धन होता है, जिस स्थान पर ऐश्वर्य होता है, जहां पर सुख सुविधाओं की सामग्री मौजूद होती है, यह नादान समाज उसी स्थान पर जाता है। फिर मूढ़ न क्या जग, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कहता है कि यह संसार तो जो है वो एक प्रकार का मूर्ख है,
इस पर भी वो किसी प्रकार की कोई सीखता नहीं है, इस पर भी सीखें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं कि संसार मूर्ख है, इतने सारे भोगने के बाद भी वह किसी प्रकार की सीख ग्रहण नहीं करता। लेकिन कवि कहता है मैं तो सीख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। मैंने अपने जीवन में जो एक प्रकार का जो प्रकार की सीख ली है उस सीखे हुए ज्ञान को भी भुला रहा हूं। अर्थात कौन सा ज्ञान भुलाना चाहता है, ना समझी का ज्ञान। यह संसार ना समझी करता है, लेकिन मैं सांसारिकता का जो पाठ सीख रहा हूं उस सीखे हुए ज्ञान को, जो पुरानी बातें हैं उन पुरानी बातों को भूल करके अपने मन के अनुसार चलने की बात करता है। वो कहता है कि मैंने जो सीखा है, जिसमें दुनिया क्या प्रकार की बात करती है, कई प्रकार की बातें करती हैं, उन सब बातों को मैं भूल रहा हूँ और भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ और साथ में नया सीख रहा हूँ। अर्थात अपनी मस्ती में रह करके वह सीखने की बात करता है। कवि आगे कहता है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं और जग और, यानी मैं कोई और हूं और यह संसार कोई और है, जिसके बीच में किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो अपने स्वप्न रूपी संसार में जहां प्रेम है उसमें कई प्रकार के संसार बनाता हूँ, कई प्रकार के वह जग बनाता है। कवि कहता है कि मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में कई प्रकार के संसार को बनाता हूँ और बनाकर उसे मिटाता भी हूँ। मैं किसी एक संसार पर या एक विचार पर नहीं चलता हूँ, दुनिया तो कोई और सोचती है और मैं कोई और सोचता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे तो और शब्द जो है वो तीन बार आया है। यहाँ पर पहला और कहता है कि मैं कोई और हूँ, दूसरा है जो है वो कहता है कि ये संयोजक है, जोड़ने का काम करता है, और संसार कोई और है, यानी इसमें इसमें जो है वो यमक अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार जो है जो धरती पर जिस प्रकार से वैभव को जोड़ता है, धन दौलत जोड़ता है, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं हर पग से, यानी मैं प्रति पल से उस धरती को ठुकराता हूँ जहाँ पर वैभव को संग्रहित किया जाता है। मैं उस धरती को हमेशा ठुकराता हूँ, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया की नहीं करता, मैं तो अपने जीवन में कई प्रकार के संसार बनाता हूँ और उसे रोज मिटाता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कवि कहता है कि रोदन में राग, जब रोदन होता है यानी रोना होता है, तो रोने के भाव में तो हमेशा दुख व्यक्त होता है, लेकिन कवि कहता है कि मैं अपने रोने के भाव में भी एक प्रकार का राग लिए फिरता हूँ, यानी यहाँ विरोधाभास नजर आता है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अपनी शीतल वाणी में जहाँ प्रेम की वाणी है उस शीतल वाणी में भी प्रेम का भाव लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहता है कि मैं अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये आग जो है ये प्रेम की आग है, यह राग जो है यह प्रेम का राग है, यह अपने जीवन में लिए फिरता है। हो जिस पर भूपों का प्रसाद न्योछावर, भूप यानी राजा, जहां पर राजाओं के महलों को भी न्योछावर किया जाता है, अर्थात सारा वैभव है वो न्योछावर किया जाता है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं उसी खंडहर को एक समान महसूस करता हुआ, जहां पर दुनिया तो सारे धन वैभव के पीछे घूमती है, लेकिन मैं ऐसे धन वैभव को न्योछावर करता हूँ और ऐसे ही खंडहर के भाग को लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब मैं अपने दुखों को प्रकट करता हूँ, जिसमें मेरे रोने का भाव निकलता है, मेरे दुख प्रकट होते हैं, तो उस दुख को लोग कहते हैं गाना, कि कवि तो गीत गा रहा है। मैं फूट पड़ा अगर मैं बहुत जोर से रोया, अपने दुखों को और अधिक व्यक्त करता हूँ, तो लोग कहते हैं इसे छंद बनाना, इसे कहते हैं कविता बनाना, यानी कवि जो है वो अपने भावों को जब व्यक्त करता है, अपने दुखों को व्यक्त करता है, अपने उन्माद के भावों को व्यक्त करता है, तो दुनिया कहती है कि वह गीत गाता है, वह कविता बनाता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि यहाँ कहता है कि दुनिया मुझे कवि कहकर के न अपनाए, मैं दुनिया के लिए एक दीवाना बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी मैं तो अपने भावों को ही व्यक्त करता हूँ,
अपने ही प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ और उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अपनी ही मस्ती में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इसलिए यह संसार मुझे कवि कह करके ना अपनाए, ठीक है, और यह दुनिया मुझे क्या दीवाना कह करके ही अपनाए। दीवाना वह होता है जो हमेशा हर भाव में एक समान रहता है, सुख आए दुख आए तब भी वह उसी तरह रहता है, किसी प्रकार का उसके अंदर बदलाव नहीं आता है। कवि आगे कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में एक दीवानों की भांति मस्ती से विचरण करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में मादकता लिए फिरता हूँ, मादकता को लेकर के फिरना चाहता हूँ, निशेष यानी बिल्कुल शेष नहीं रखना चाहता। यहाँ मादकता किसकी, प्रेम की मादकता को कवि जो है वो लिए फिरता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके और लहराए, कवि कहता है कि मैं ऐसे गीतों को गाना चाहता हूँ, मैं ऐसे वचनों को कहना चाहता हूँ, मैं अपनी इस प्रकार की प्रेममयी वाणी को बताना चाहता हूँ जिसको पढ़ करके समझ करके लोग झूम उठे, जिसको सुन करके लोग झुकें, नतमस्तक हो गए और लहराए अर्थात नृत्य करना शुरू हुए। मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं एक ऐसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ जिसमें लोग जो हैं वो झूमने पर मजबूर हो जाए, लोग मेरे इसी संदेश को समझ लेते हैं तो मेरे लिए यह जीवन सफल है। और मैं यही संदेश देता हूँ कि अपनी ही मस्ती में झूमो, अपने ही आनंद से फिरो, दुनिया क्या कहती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा एक भाव से रहना चाहिए, सुख में या दुख में हमेशा एक तरह से ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।